आकाश, वेलकम टू प्लांट केयर की वर्ल्ड। आज मैं अपने गार्डन का एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको स्टैंड दिखा देता हूँ। तो ये वो स्टैंड है जो कि मैंने 2-3 दिन पहले परचेस किया था। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मुझे लगे थे और इनका प्राइस 150 रुपीज़ ईच था, तो मुझे रिजनेबल लगा तो मैंने परचेस कर लिया। देख सकते हैं गमले जब स्टैंड पर रखे होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके अलावा ये एक और स्टैंड मैंने परचेज़ किया है जो काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसे भी मैंने तुरंत ही परचेज़ कर लिया था। इसका प्राइस भी 150 रुपीज़ ही है। क्वालिटी काफ़ी अच्छा था और छोटे कंटेनर इसमें आते हैं, लगभग 6 इंच के कंटेनर आप इस स्टैंड पर बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं और इसके अलावा भी क्या क्या नर्सरी में था वो मैंने कल के वीडियो में डाला था, तो कल के वीडियो में विज़िट करके आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा ये और कुछ स्टैंड मैंने परचेस किए हैं, ये भी मुझे काफ़ी चाहिए थे, काफ़ी सारे चाहिए थे, तो मैंने लगभग 7 ही उस नर्सरी में थे, तो जितने भी थे मैंने परचेस कर लिया था। और इसका प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ ईच था, तो 40 रुपीज़ मुझे ये भी काफ़ी रिजनेबल लगा, तो मैंने इसे भी परचेस कर लिया था। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इसमें जो है 8 इंच के कंटेनर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। तो देख सकते हैं ये लेपर्ड टेली का प्लांट है, प्लांट का कंटेनर है, इसमें काफ़ी अच्छे से आ चुका है। इसके अलावा ये पोर्चुला का और कंटेनर, इस तरह के स्टैंड में जब कंटेनर को रखते हैं तो झाड़ू वगैरह लगाना भी काफ़ी आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने परचेस किया था। इसके अलावा ये उसी से थोड़ा सा बड़ा था, इस पर लगभग 10 इंच के कंटेनर, 10 से 12 इंच के कंटेनर आसानी से आ जाते हैं। और इसका प्राइस केवल 10 रुपीज़ ही ज़्यादा था, इसका प्राइस 50 रुपीज़ था, तो इससे भी मैंने 2 ले लिया, क्योंकि इन स्टैंड को लाना थोड़ा सा मुश्किल था। पहले जो आपने स्टैंड देखा था वो एक के अंदर एक आ जाते हैं, तो उन्हें लाना काफ़ी आसान हो जाता है, जबकि इन्हें लाना काफ़ी मुश्किल था, तो 2 ही मैंने इसे लिया था। वैसे ये ख़रीदने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था। इसके अलावा ये कुछ गार्डनिंग टूल्स भी मैंने परचेज़ किए हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था और रीज़नेबल प्राइस पर मुझे नर्सरी में मिला, तो इन्हें भी मैंने परचेज़ कर लिया है। नर्सरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप आसानी से विज़िट कर पाएंगे। वैसे नर्सरी का अगर होल ओवरव्यू आप देखना चाहते हैं, पूरा ओवरव्यू देखना चाहते हैं, तो कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था। तो ये जो आप टूल देख रहे हैं ये मैंने 80 रुपीज़ में परचेस किया था, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा रीज़नेबल प्राइस लगा, तो मैंने परचेस कर लिया। इसके अलावा ये एक और, इसे भी मैंने 80 रुपीज़ में ही परचेस किया था। इनका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा ये खुरपा, इसे मैंने 50 रुपीज़ में परचेस किया था, और ये भी मेरे पास वैसे काफ़ी सारे थे, लेकिन कुछ दिनों में वो कैसे मेरे गार्डन से गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसके अलावा ये साफ पाउडर, ये 35 रुपीज़ ईच था, तो 2 पैकेट मैंने परचेस कर लिया। इसके अलावा ये अजवाइन प्लांट मैंने जिस स्कूल में मैं इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर मैंने लगाया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया था, इसीलिए जब मैं इंटर्नशिप के लिए जाने वाला होता हूँ तो उससे पहले ही मैं काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर लेता हूँ ताकि स्कूल में मैं लगा सकूँ और जिनको प्लांट लवर हैं चाहिए हो उन्हें दे सकूँ। तो ये है अजवाइन प्लांट, कंटेनर के साथ मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा ये है बेजिल का प्लांट, तो ये 2 प्लांट उन्हें चाहिए था तो उन्हें मैं दे रहा हूँ। स्कूल में छोटा सा वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लगता है कि मैं टीचर हूं तो उनको मैं बता दूं कि नहीं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं DLED UPDLED स्टूडेंट हूं और हमें हर सेमेस्टर 1 मंथ के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है। और ये है मेरा अगेओ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ये कंटेनर में
टिक ही नहीं पाता है, बार बार इस तरह से गिर जाता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे रिपोर्ट कर ही देता हूँ। काफ़ी सारे बेबीज इस प्लांट से निकाल कर मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार किए हैं, और देख सकते हैं कंटेनर से रूट भी बाहर आने लगा है, और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये रूट बॉन्ड हो चुका था, ऊपर तक मिट्टी पहुँच चुकी थी। और कुछ समय बाद ये कंटेनर को भी तोड़ देता, अगर मैं इसे मिट्टी के गमले में लगाता तो अब तक ये कंटेनर को तोड़ चुका होता, इसीलिए मैंने इसे प्लास्टिक के गमले में लगाया था। वैसे इसे आप छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं, मैंने तो लगभग जितने भी अगेव प्लांट है छोटे कंटेनर में ही ग्रो किया है, ज़्यादा बड़ा ये हो जाएगा। वैसे भी इस पर कांटे होते हैं तो मुझे इसे अपने गार्डन के किसी कोने में छिपा कर ही रखना पड़ता है, ताकि ये इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, यानी किसी को कांटे वगैरह ना चुभे। मेरे घर में बच्चे हों तो आप भी इसे संभाल कर ही रखिएगा। वैसे इसके टिप पर ही छोटे से कांटे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, और ये मेरा दूसरा अगेव प्लांट है, तो दोनों ही अगेव प्लांट को आज ही मैंने रिपोर्ट कर दिया है, क्योंकि आजकल टाइम भी हमें काफ़ी कम ही मिलता है, शाम का ही वक्त मिलता है, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग जो है वो 8 से 2 होता है, और उसके बाद तो दोपहर आप जानते ही हैं कि छत पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कुल मिलाकर शाम का ही टाइम मिलता है, तो उसी में सारा गार्डनिंग वर्क करना पड़ता है, वीडियो भी शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये मैंने इसमें गोबर खाद इसके अलावा अच्छे से कोकोपीट को मिक्स करके ये सॉइल बनाया, ताकि मिट्टी हल्की हो, और आजकल मैं कोकोपीट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी कोकोपीट का यूज़ किया कीजिए, और ना हो तो आप राइस हस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, वो फ़िलहाल मुझे अभी नर्सरी में देखने को मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कोकोपीट का यूज़ करता हूँ, और कोकोपीट काफ़ी सस्ते में मिल भी जाता है, 5 kg का मैंने इस टाइम कुछ ही दिनों पहले 5 kg का 250 rupees में परचेस किया था। तो आप भी रोड साइड वगैरह पर या फिर बड़ी नर्सरीज होती हैं जहाँ पर कोकोपीट वगैरह मिल जाता है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और कंटेनर में प्लांटर, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये स्टैंड पसंद आए हों और आप लखनऊ में रहते हैं तो आप ये स्टैंड लखनऊ की आलमबाग रोड साइड नर्सरी पर विज़िट करके परचेस कर सकते हैं, और कल का वीडियो मेरा देखना मत भूलिएगा अगर आप नर्सरी जाने की सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।